वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीजे 32 राइडर। तो आज मैं लेके आया हूँ मेरी अपनी जिक्सर SF155 मोटो जीपी एडिशन, जिसका जो मैं आज रिव्यू आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मेरी गाड़ी, मैंने उसका ओनरशिप रिव्यू आज मैं करूँगा। तो इसी के साथ आज मैं आपको इस जिक्सर के बारे में बात भी करूँगा और क्या प्रॉब्लम आई मेरे को और क्या अच्छी बातें लगी है और इस गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा और इस गाड़ी चलाने में किस तरह की परफॉर्मेंस करती है, तो ये सब बात मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊँगा। तो आज इसी वीडियो में आप बने रहे, तो वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें और मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगे और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम रिव्यू करते हैं, चलो। गाइस ये मेरी अपनी जिक्सर है 155 मोटो जीपी एडिशन, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी सी दिखने वाली है मेरी मोटो जीपी जिक्सर SF155। तो आप देख सकते हो ये गाड़ी का लुक कैसा आता है और साइड व्यू देखो किस तरह का और शार्पी और बल्कि है, स्क्यूलर शार्पनेस है इसमें। तो अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहले बात करूँगा इसके मीटर के बारे में। तो मीटर पे आप अभी देख लो, तो मीटर में ये स्टार्ट करता हूँ, तो मीटर में देख लो ये इस तरह से स्वाइप मारता है पूरी तरह से और गोल लिखता है। यहाँ पे न्यूटियन की लाइट आएगी, यहाँ पे शिफ्टर की लाइट है और ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ABS का है, सुजुकी का ये नाम लिखा है, ये इसमें FI का कोई भी एक मलफेक्शन इंजन में कोई भी तकलीफ आई है, फॉल्ट है, तो अभी ये दिखा रहा है मेरे को और ये लाइट बंद नहीं हो रही है, तो इंजन में कोई प्रॉब्लम आया है। ये फ्यूल मीटर का है और ये RPM का पूरा मीटर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। मैंने इसके मीटर के बारे में बता दिया, तो अभी हम चलते हैं तो इसके आगे की ओर। तो आगे आ जाते हैं तो इसमें देख सकते हो तो फुली LED लाइट है और जो इंडिकेटर दिए वो हेलोजन बल्ब में दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आफ्टर मार्केट ये लगवाया है, देखो ये विंडशील्ड है पूरा शार्क नेप ने और ये R15 का जो वाइजर होता है वो लगवाया और जो स्टॉक मिरर था वो निकल के मैंने यहाँ पे आफ्टर मार्केट मिरर लगवाया है, जो छोटे और देखने में भी बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, देखो आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो अभी इस गाड़ी के फ्रंट के बारे में आ जाते हैं, तो फ्रंट में इसके टायर के साइज़ के बारे में बात करते हैं, तो ये 180-17 इंच का टायर है और इसके आगे डिस्क ब्रेक है, आगे डिस्क ब्रेक में बाइब्रेक है स्लीपर वॉप यूज होता है और इसमें ABS सिंगल चैनल ABS है। अब साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे सुजुकी का ग्राफिक लगाया हुआ है, यहाँ पे देखो तो सुजुकी का लोगो है। तो अभी यहाँ पे आज देख सकते हो तो ये इंजन है, ये इंजन 155 cc का एयर कूल्ड है, ना कि इसमें ऑयल कूलिंग कुछ भी नहीं आता है, एयर कूल्ड है। और ये फुट रेस्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम के पूरे है और यहाँ पे डबल मफलर एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हो। और पीछे की साइड आ जाता है तो इसमें पीछे के टायर में सिंगल डिस्क ब्रेक है और डिस्क ब्रेक में और टायर के साइज़ की बात करें तो यहाँ में 140x60-17 इंच के टायर है। हेडलाइट और पीछे की टेल लाइट पूरी LED और हेलोजन इंडिकेटर है इसमें। इंजन के बारे में बात करें तो 155 cc का इंजन है, 13 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है और 13 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इस गाड़ी का टॉप स्पीड मैंने अभी तक 125 तक खींचा है इस गाड़ी को। अभी इस गाड़ी का दोनों टायर ट्यूबलेस टायर है, 100x6 का और 140x6 का ये टायर है। और यहाँ पे आ जाता है तो इसमें 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स है और यहाँ पे साड़ी गार्ड दिया हुआ। और इस गाड़ी की सीट के बारे में बात करूँ तो राइडर के लिए और पिलियन के लिए, तो पिलियन के लिए भी इतना खास कंफर्टेबल नहीं है और राइडर के लिए भी उतना खास कम्फर्टेबल नहीं है। यह सीट में 100 से 150 किलोमीटर चलाने के बाद अपना जो बैक पेन है वो शुरू हो जाता है और ठीक से बैठ नहीं पाते, और वो आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पिलियन के लिए और राइडर के लिए कुछ भी ये ठीक नहीं, क्योंकि ये एक ट्रैकिंग बाइक है और ये स्पोर्ट बाइक कहते हैं ना, इसमें टूरिंग इतनी लंबी नहीं हो सकती। स्प्लिट सीट दिया हुआ है, तो अभी ये पीछे की सीट में ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है
और यहाँ पे नीचे देखे तो फर्स्ट एड किट की टैंक पे, तो टैंक यह बड़ा सा और बल्कि लुक वाला टैंक दिख रहा है आपको। ये मोटो जीपी एडिशन में बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा दिख रहा है, और ये 12 लीटर का टैंक है। साइड में देखने के बाद ये गाड़ी इतनी प्यारी सी और अच्छी लग रही है। जब भी आ जाते हैं इसे स्विचेस के बारे में, तो स्विचेस में देखो तो यहाँ पे पास लाइट दिया है, या हाई बीम लो बीम का स्विच दिया है, ये इंडिकेटर का स्विच है, और यहाँ पे हॉर्न है। हॉर्न में आपको सुना देता हूँ, बहुत लाउड ही नहीं है, बहुत मीडियम सा बज रहा है। और यहाँ पे देखो तो ये इंजन किल स्विच है, और यहाँ पे स्लैप स्टार्ट का बटन है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस गाड़ी में, नॉर्मल सा है। गाइस मैंने इस गाड़ी का आपको रिव्यू बता दिया, अब मैं अपना ओनरशिप रिव्यू इस गाड़ी का बताता हूँ। तो इस गाड़ी जब मैंने ली थी तब इतना स्मूथली चल रही थी, बहुत ही अभी तक स्मूथली चल रही है, कोई भी ऐसा इशू नहीं आया इंजन में। पर अभी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो मेरे को आता है, और इसके ब्रेक में कोई भी मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्रेक के बारे में, ब्रेक बहुत ही बढ़िया वो बाइटिंग करता है, और जितने भी स्पीड हो गाड़ी रुक ही जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती ब्रेक में। पर एक दिक्कत है जो ABS में, जैसे कि हम खड्डे बगेड़ा और किसी में भी गाड़ी का जो ब्रेक हम अप्लाई करते हैं, तो इसके दौरान जो इसके अंदर सेंसर आता है वो ठीक से वर्क नहीं करता, और हमारे जो ब्रेक की है डंडी है वो हार्ड हो जाती है, और जितने अपना ब्रेक का फोर्स करना है वो हम इस डंडी से ब्रेक फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही सेंसर वो ठीक से काम नहीं करता जैसा हमको चाहिए। तो वो एक प्रॉब्लम आता था मेरे को ब्रेक में, वरना तो इसका जो ब्रेक का बाइटिंग है वो बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं। बस इसका जो ABS का सेंसर है उसमें दिक्कत थी मेरे को। और ये गाड़ी चलाने में इतनी बढ़िया और इतनी स्टेबल है, और कंट्रोल भी बहुत ही बढ़िया है इस गाड़ी का। तो अभी पीछे के टायर की बात करें तो मेरे को एक बार इस गाड़ी ने जब 105 की स्पीड में मैं जा रहा था, तो ये गाड़ी एक गड्ढे में पीछे का टायर आ गया था, तो वो तब इसका रिम से ना वो पूरा मुड़ गया था, तो वो वारंटी में मैंने तो डाल दिया था, और वो मेरे का चेंज हो गया। तो दूसरा कोई भी इशू नहीं आया मेरे को। इस गाड़ी का मैंने रिव्यू किया और मेरा ओनरशिप भी रिव्यू आपको बता दिया, तो अब इस गाड़ी में मेरे को तो दूसरा कोई भी दिक्कत नहीं आया। जो दिक्कत थी वो मैंने आपको बता दी इस गाड़ी में, वो ये इशू आया था, वरना कोई भी मेरे को इशू नहीं आया, ना लाइट का, ना ब्रेक का, ना इंजन का, कोई भी इशू नहीं आया। जो ये इशू आया वो कंपनी वाले जो कुछ ठीक कर दे तो सही है, वरना तो गाड़ी देखने में आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी सी और शार्प डिजाइन वाली है, कितना प्यारा सा डिजाइन दिख रहा है इसमें, देखो आप इतना लुक वाइज। ये मोटो जीपी एडिशन है गाड़ी, कहीं भी मैं लेके जा रहा हूँ तो जो आई कैचिंग बाइक कहते हैं, तो ये आई कैचिंग बाइक है। कोई भी बंदा आके मेरे को बताता है कितने की गाड़ी है, कैसी है, और कोई भी एक बार मुड़ के तो देखेगा ही, और आके मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है लुक वाइज बहुत ही प्यारी सी दिखती है, और चलाने में इतना स्मूथ है, चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इतनी बढ़िया बाइक है ये, आप ले भी सकते हो। पर जो इशू था मैंने वो बताया कि इसमें ये इशू आया था, ये इशू आया, दूसरा कोई भी मेरे को इशू नहीं है इस गाड़ी में, और चलाने में बहुत ही बढ़िया है, 130 तक खींच लेती है ये गाड़ी बस। हेलो गाइज, आपको मेरा रिव्यू जो है इसका रिव्यू और मेरा रिव्यू जो अच्छा लगा हो ना, आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो के साथ मैं फिर भी लौटूंगा। तब तक लाइक, गुड बाय।